कि वो अपने दिमाग जो है सबसे पहले बाइडन बहुत शुक्रिया आपके पास तो तमाम दोस्तों का हमारे खान में जो हमारा है सबका बहुत शुक्रिया और आप सब हमारे लिए हमारे खुशी है मैं किसी एक का नाम नहीं लेता तो आज जिस सिलसिले में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये तकलीफ दे भी है हमारे लिए बहुत क्योंकि हमारे एक बहुत प्यारे भाईजान हमसे जुदा हो रहे हैं लेकिन जाहिर है ये दुनिया का निज़ाम है तो आसिफ भाईजान ने जितनी भी खिदमत की है इस कम्युनिटी की अल्फाज में बयान करना वो नामुमकिन मैं ये दिल से कह रहा हूँ क्योंकि हमारा तलब पीटीआई से है और हमें वास्ता पड़ता रहता है हम सियासी नुमाइंदे हैं एम्बेसी से हमारा तलब बहुत रहता है जब भी किसी भी हमें इनका इतना एतमाद था कि कोई बंदा हमें फोन करता था तो हमसे कहते आप अपनी टिकट करवा लें क्योंकि हमें पता था हमें आगे से क्या रिस्पॉन्स मिलना है और हमेशा जब भी हमने इनको फोन किया तो दिन हो या रात हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और इसकी मिसाल यह है कि मुझे नहीं पता था उस दिन आपके फादर इन लॉ की डेथ हुई थी तो मैंने इनको फोन कर दिया किसी औरत के लिए पाकिस्तान जाना था उसकी वालदा बीमार थी तो उन्होंने फौरन कहा ठीक है जी आप उनसे कहें तो वो अपना टिकट करवाएं वीजा इशू हो जाएगा और बाद में बताया कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि ये जो कम्युनिटी की खिदमत करते हैं उसके लिए ये अपनी फैमिली सबको प्रिपेयर नहीं करते और दूसरी बात जो है वो ये है कि वैसी जो होती है वो किसी कम्युनिटी के लिए घर की हैसियत रखती है और हम सर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये जो फाद मुश्ताक बाइडन और पाए हैं ये बहुत चैलेंज हो गया आपके लिए क्योंकि तो जितनी एक्सपेक्टेशन जो कम्युनिटी से हैं वो आसिफ भाई से वो जा रहे हैं अब आपसे हैं वो सारी एक्सपेक्टेशन और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप भी हमेशा इसी तरह हमें रिस्पॉन्स करेंगे।